नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहस के इस नंबर वन शो ताल ठोक के। आज का मुद्दा है कि यूपी की योगी सरकार का विरोध क्या हिंदू आस्था और संस्कृति पर चोट करके होगा। दरअसल छेड़खानी रोकने के लिए यूपी में बने एंटी रोमियो स्क्वाड के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने भगवान कृष्ण को बीच में घसीट लिया। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, रोमियो ने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया। मैं कोट कर रही हूं, रोमियो ने तो सिर्फ एक लड़की से प्यार किया जबकि कृष्ण लेजेंडरी ईव टीजर थे, अनकोट। क्या आदित्यनाथ ने अपने निगरानी दल का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रखने की हिम्मत की, हिम्मत है उनमें, यह भी कोटेड है। हालांकि इस पर विरोध बढ़ता देखकर प्रशांत भूषण ने फिर ट्वीट के ही जरिए सफाई दी और लिखा कि रोमियो ब्रिगेड पर मेरे ट्वीट को तोड़ा मरोड़ा गया है। मेरा कहना है कि रोमियो ब्रिगेड के तर्क से, उस लॉजिक से भगवान कृष्ण भी छेड़खानी करने वाले दिखेंगे। भगवान कृष्ण में भी हम गोपियों को छेड़ने की कृष्ण की कथा सुनकर बड़े हुए हैं। रोमियो स्क्वाड का तर्क इसे आपराधिक बना देगा। किसी भी भावना को आहत करने का मेरा मकसद नहीं है। सवाल है कि अगर किसी की भावना को आहत करने का मकसद नहीं है साहब आपका, तो कृष्ण का जिक्र ही आपने क्यों किया? हिंदू मैथोलॉजी में कृष्ण के माने क्या है? मेरा सवाल इससे बिल्कुल नहीं है, बल्कि ताल ठोक के जी न्यूज ये पूछ रहा है कि क्या योगी सरकार का विरोध करने के लिए ऐसे ही तर्क पेश किए जाएंगे जहां लॉजिक नहीं सिर्फ और सिर्फ जहनी बैंकरप्सी नजर आएगी। सवाल सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड का नहीं है, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो, पहले की अखिलेश सरकार के कुछ कामों पर जांच के आदेश हो, कुछ अफसरों की ट्रांसफर या पोस्टिंग हो, हर एक डिसीजन, हर एक फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि जिस सरकार को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं साहब, 2 हफ्ते, उसे कटघरे में खड़ा करना क्या सिर्फ राजनीति नहीं है? सवाल यह भी है कि योगी सरकार ने यूपी में बदलाव का वादा किया है, लेकिन यूपी में बदलाव होगा या सिर्फ टकराव होगा? खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपका तारुफ उनसे करवाऊं, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशांत भूषण जैसे एक माने हुए वकील इस प्रकार की बात करते हैं। हो सकता है उन्होंने रोमियो जूलियट या शेक्सपियर की किताबें ज्यादा पढ़ी हैं और उन्होंने महाभारत और गीता नहीं पढ़ी है। तो शायद वो पढ़ लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि महाभारत हो या गीता, उसका भी संदेश यही है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में अपनी बातें कही हैं, लेकिन मौसम बहुत गर्म है, लू चल रही है, लोगों को बचना चाहिए। साथ चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। मैं कहता हूँ सिपाहियों को सस्पेंड करने से क्या फायदा है, उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैं तो ये कहता हूँ इस बात को कि पहले गवर्नर साहब ने भी एक बार उठाया था सवाल कि एक ही जात के लोग सब बैठे हैं, अब तो सरकार हमारी नहीं है और एक ही जाति के लोग सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ सिपाही ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से बता दे रहे हैं कि रोमियो कौन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। हमें एक दूसरे की आस्था की इज्जत करनी चाहिए। प्रशांत अगर कृष्ण को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोगों की आस्था है और आप उसको इस तरीके से मजाक उड़ाएं। योगी को क्रिटिसाइज कीजिए। हम ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के प्रेरणा को जो माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसी को लेकर के योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है, योगी सरकार के विरोध के लिए हिंदू आस्था पर चोट क्यों? दूसरा सवाल है कि क्या प्रशांत भूषण ने रोमियो को इज्जत दी और कृष्ण का अपमान किया? तीसरा सवाल है कि यूपी में योगी सरकार के हर फैसले पर हंगामा क्यों? चौथा सवाल है कि यूपी में अब बदलाव होगा या सिर्फ
टकराव होता रहेगा। ताल ठोक के पांचवा सवाल है कि यूपी में योगी सरकार के कर्मयोग पर विपक्ष का कलह योग है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह साहब पूर्व आईपीएस है, 2007 से 2009 के बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल भी इन्हें मिल चुका है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर के तौर पर इनका नाम दर्ज है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पेशे से सर्जन है, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अशोक दवे साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो दशकों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है इस डिबेट में। राकेश गौतम साहब बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुजन समाजवादी पार्टी का पक्ष अक्सर डिबेट में रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है राजनीतिक पार्टी स्वराज अभियान के। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर स्वराज अभियान पार्टी बनाई है और उसी के सदस्य है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हामिद कुरैशी साहब लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। इनके मुताबिक बूचर खाने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हैं और चूंकि हम योगी सरकार के एक्शन उस पर हो रहे रिएक्शन यानी जो हड़ताल हुई फिर उस रिएक्शन पे हुए एक्शन यानी हड़ताल कर रहे कारोबारियों से जो बातचीत हुई है उसका भी असर आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि एक्शन तो हो रहा है और इसीलिए साहब हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डेढ़ मिनट आप सबको मिलेंगे और इसीलिए अनुपम शुरुआत में आपसे करूंगी। विरोध कीजिए ना सर, किसने मना किया है? विरोध का मतलब ये कि आप करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल जाएंगे? आपके पास लॉजिक नहीं है? आप इतने बैंकरप्ट हो गए हैं कि ऐसी सियासत करेंगे तो ऐसे में ये सियासत चूल्हे में क्यों ना जाए? जी आपका सवाल है ये? बेशक जी। जी देखिए, जिस ट्वीट के का जिक्र हो रहा है और जिस ट्वीट पे ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो कही गई है बात, सबसे पहले मैं उसको स्पष्ट कर दूं। उसमें ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है जो अपने पोल प्रॉमिस को पूरा करते हुए पिछले 8-10 लगातार आपके चैनल पे भी और कई चैनलों पे उसकी रिपोर्टिंग हो रही है कि किस तरह से वो एंटी रोमियो स्क्वाड काम कर रहा है, क्या तौर तरीके हैं उसके काम करने के, किस तरह से महिला पुरुष के हर संबंध पे सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से भाई बहन भी कहीं बैठे हुए उसको भी खड़ा करके मुर्गा बनाया जा रहा है, उनकी भी पिटाई हो रही है, उनको भी जेल ले जाए, कई तरह की बातें, और मीडिया ने बहुत यूनानिमस ढंग से उस पर रिपोर्टिंग की है और उसकी खामियों को उजागर भी किया है। ये ट्वीट सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड पर एक तरह का सवाल था और एक व्यंग्यात्मक लहजे में ये कहा गया था कि अगर इस तर्क इस बेतुके अंदाज में अगर एंटी रोमियो स्क्वाड काम करेगी तो भगवान श्री कृष्ण भी अगर आज होते तो उन लोगों के लिए वो भी ईव टीज़र होते, ये कहा गया है। अब अगर मतलब निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है जिसको बाद में प्रशांत जी ने दोबारा से क्लैरिफाई भी किया है, वो ये है कि एंटी रोमियो स्क्वाड जिस तरीके से काम कर रहा है, जो कारनामे कर रहा है, जिस तरह से महिला पुरुष के हर संबंध पर सवाल उठा रहा है, अगर ये तरीका एंटी रोमियो स्क्वाड के काम करने का तो आज भगवान श्री कृष्ण भी होते तो उनको भी ये लोग ईव टीज़र मानते। सर ईव टीज़र मानते मतलब अंग्रेजी इतनी हमें भी आती है, ऐसा नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। इसके माने आप बड़े अलग से निकाल रहे हैं और असल माने जो निकल रहे हैं उन्होंने करोड़ों करोड़ों हिंदू जो लोग भगवान कृष्ण को पूछते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनकी आस्था पर चोट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ कि ये जहनी दिवालियापन है और कुछ भी नहीं है। गाइडलाइंस तो सर आपने पढ़ी नहीं होगी जो योगी सरकार की तरफ से आई है कि किस किस को पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना। बहरहाल डेढ़ मिनट आपके पूरे हो गए, आप मैं आगे बढ़े हूँ। डॉक्टर पात्रा, आज जब ये डिबेट करने से पहले मैं आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये तो सच है ना कि आप इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, हिंदुओं को हल्के में लेते हैं, आप इनको यू टेक देम फॉर ग्रांटेड और इसीलिए तो इनके कंधे पर, इनकी आस्था पर बंदूक रखकर आप अपनी सियासत चमकाते हैं, फिर क्यों ना द्वेष पैदा होगा, फिर क्यों ना ये लोग आक्रोशित होंगे? देखिए मैं आज ज्यादा नहीं, आज कृष्ण के विषय में कहा गया है, कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं,
जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी आह हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। देखिए जब वो बांसुरी बजाते थे तो जो भी होता था उसके मन को हर लेते थे। मैं तो कृष्ण से फिर से कहूँगा, पुनः बांसुरी बजाइए, जिन लोगों के पास बुद्धि की कमी है उनके मन को हर लीजिए। आपको लेजेंडरी ईव टीजर बता रहे हैं? अरे मूर्खों, वो लेजेंडरी ईव टीजर नहीं थे, वो तो विराट स्वरूप थे। अंतिम आकर्षण इति कृष्ण, जहाँ आकर्षण समाप्त हो जाए, जिसको प्राप्त करने के बाद संसार में कोई आकर्षण ही ना रह जाए, ना मृत्यु के प्रति, ना जन्म के प्रति, ना जरा के प्रति, ना धर्म के प्रति, किसी के प्रति आकर्षण ना रहे, क्योंकि आप में ही सब कुछ समाहित है, आप कृष्ण हैं। आप पे आज हमें डिबेट करना पड़ रहा है, आप पे आज हमें डिबेट करके सफाई देनी पड़ रही है कि आप ईव टीजर नहीं थे। हिंदुस्तान में ये कैसा दिन है? और मैं कृष्ण भक्तों को कहूंगा कि ऐसे लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आपको कृष्ण को जानने की आवश्यकता है। हम तो क्या सिखाएंगे आपको, हम तो छोटे हैं, मगर आप इतने बड़े वकील कहते हैं, आपको तो साधारण चीजें पता नहीं है। कृपया करके गीता पढ़ें, कृपया करके कृष्ण को जानें। ठीक है, बजर अप हो गया है। संबित आगे आपके पास टाइम होगा। अशोक दवे साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। एंटी रोमियो स्क्वाड बनता है, आप फौरन आते हैं और इसके ऊपर, अशोक देव साहब, एंटी रोमियो स्क्वाड आता है, परेशानी होती है आपको, आप फौरन आते हैं, इसका विरोध कर देते हैं। बूचड़खाने बंद होते हैं, आप फौरन आते हैं, इसका विरोध कर देते हैं। प्रशांत भूषण ईव टीजर कहे जाते हैं भगवान कृष्ण को, आपने उफ तक नहीं किया साहब? रूबिका जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी गीता का सम्मान करती है, कृष्ण का सम्मान करती है। और देखिए, उस किसी भी व्यक्ति का विरोध करती है जो धर्म का राजनीति में सम्मिश्रण करते हैं। समाजवादी पार्टी धर्म का और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण उनका राजनीति में सम्मिश्रण तो करती है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव के साथ। हम नकारात्मक प्रभाव को हम राजनीति में नहीं लाते, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं वो धर्म या किसी भगवान के नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में ला करके ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। रह गई बात एंटी रोमियो दल की, तो देखिए एंटी रोमियो दल की बात हम विरोध इसलिए करते हैं कि जब पीछे 5 साल सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 चलाया था। उसमें महिलाओं के सुरक्षा का काम देखा जाता था और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती थी, जबकि आज जो एंटी रोमियो दल चल रहा है इसमें पहचान सार्वजनिक किया जा रहा है, उनको थाने में बैठाया जा रहा है, भाई बहनों को बुला करके उठा बैठक कराया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और धन की उगाही की जा रही है। हम इस बात के लिए इनका विरोध कर रहे हैं। रह गई बात, हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप जो है कम से कम जो वादा किए हैं पीछे चुनाव के दौर, खासतौर से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में 17 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क शिक्षा दिया था महिलाओं को और छात्रों को, आज बजट नहीं है। आप पता करिए 17 लाख बच्चों को कहां से छात्रवृत्ति दी जाएगी, उसका ध्यान ये नहीं दे रहे हैं। आज ये एंटी रोमियो दल पे बूचड़खाने की बात आप कर रही हैं। सर वहां तक तो पहुंचने का मौका आपके पास आया नहीं, आगे आपके पास पूरा मौका होगा। मैं ये कह रही हूं कि आप विरोध कीजिए ना, लेकिन जहां विरोध की वाकई सख्त जरूरत होती है वहां पर आप दो लाइन में अपनी बात खत्म कर देते हैं। भगवान कृष्ण को रोमियो से कंपेयर कर जाते हैं प्रशांत भूषण, आपको इसकी फिक्र तक नहीं होती है। रोमियो से कंपेयर नहीं करते, रोमियो को बेहतर बता जाते हैं, आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। आपको अपनी सियासत चमकानी होती है और इसीलिए आपको हर चीज में गलती नजर आ रही होती है। 1090 की आप बात कर रहे हैं सर, वो यहां पर बैठे हुए हैं, विक्रम जी बता देंगे आपको। फोन करते करते लड़कियां थक जाती थी, फोन नहीं उठता था सर, और आप बात कर रहे हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। जिस पर सवाल हो रहे हैं और जिसका जवाब चाहते हैं हम, उस पर तो बात कह दीजिए। 1.5 मिनट आपने सिर्फ सियासत में गवा दिए। बहरहाल मैं आऊंगी आगे भी आपके पास। राकेश गौतम साहब जी, बूचड़खानों पर बहन जी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जी, और ये कहती है वक्त आने पर हम जवाब देंगे। अभी भी हम वक्त आने का इंतजार करें? श्री कृष्ण पर इतनी बड़ी उन्होंने टिप्पणी कर दी प्रशांत भूषण ने, अभी बहन जी वक्त लेंगे और फिर आएंगे? देखिए मैं बताऊं, मुझे नहीं मालूम बहन जी ने अभी इस पे कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी किसी भी धर्म और धर्म से जुड़े हुए लोगों का किसी कोई अनादर नहीं करती, और ना धर्म की कभी कोई बात आती है बहुजन समाज पार्टी में। हमारी पार्टी की नेता ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और इसी वजह से सर्वजन नेता है और सर्वजन सुखाए के नारे पर हमारी पार्टी बराबर चल रही है।
प्रशांत भूषण जी का जो स्टेटमेंट आया रोमियो से भगवान कृष्ण की, जिस तरह से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, ये टीवी पर मात्र एक छाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया, गंदी मानसिकता है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिल्कुल गंजी मार ऐसी ऐसा इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। बूचड़ खाने या इस तरह के मामले में बहन जी ने जो किया है, बहन जी का अपना एक अलग नज़रिया है। अभी पार्टी चूँकि चुनाव में हमारी हार हुई है उसकी वजह से समीक्षा चल रही है और समीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहन जी आप सबके सामने आएंगे। मतलब बूचड़ खाने पर तो अचानक उनका रोष उजागर हो जाता है, वो एक सेकंड नहीं लगाती है और यहाँ भगवान कृष्ण के लिए वो इंतज़ार कर रही है। सर यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ की मेजॉरिटी को इतना हल्के में क्यों ले जाते हैं? आप सियासत सिर्फ एक पक्ष की करते रहते हैं और दूसरा पक्ष सिर्फ और सिर्फ भोगता रहता है, वो कहीं ना कहीं परेशान होता रहता है। विक्रम जी, मैं इस मसले पर थोड़ा डिफरेंट एंगल में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप तो पुलिस के साथ सर बहुत अरसे से इसके अभिन्न अंग रहे हैं, ये पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है सर, ऐसा तो है नहीं कि ये सामाजिक ठेकेदार है जो पहुंच गए वहां पर पुलिसिंग करने के लिए? ये तो बकायदा एक पुलिस का विंग है, एंटी रोमियो स्क्वाड, और कहते हैं कि आप जड़ से खत्म कर दो, रेप जैसी चीज हो ना उसके लिए पहले से ही सामने वाले को पकड़ के रख दो, यही चीज हो रही है। इस एक्शन पर विपक्षी कुछ भी कह रहे हैं वो जलन की वजह से तो नहीं कह रहे हैं? आपने बिल्कुल सही चीज पर आपने उंगली रखी है रूबिका जी। इसकी अभूतपूर्व सफलता को लेकर के लोग उद्वेलित हैं और उस उत्तेजना में ऐसी बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन सी लायन, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन नॉकडाउन, इसका कि ये मतलब नहीं है, वो तो एक एक्रोनिम होता है कि केवल ऑपरेशन की गोपनीयता बनाने के लिए। सबसे पहले ये ऑपरेशन सन 93 में यहीं मेरठ रेंज में मैंने ऑपरेशन मजनू के नाम से चलाया, तो उसकी समीक्षा आप कर लें कि ऑपरेशन मजनू, बीबीसी ने उसको ऑपरेशन मंजू के नाम से प्रचार प्रसार किया। उद्देश्य को देखें, उद्देश्य की अभूतपूर्व सफलता को देख करके आपने क्लेम किया 1090। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी जो बच्चियां महिला ऑफिसर्स बैठती थी उन तक से छेड़खानी होती थी 1090 में, हम उसको तक तो रोक नहीं पाए और हम दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में बैठी हुई महिलाओं की हम सुरक्षा दे रहे हैं। कुछ अच्छे प्रयोग जरूर हुए होंगे लेकिन हमारी बच्चियों के साथ जो 1090 में बैठती थी उनके साथ तक छेड़खानी हुई है, उसके बारे में हमने क्या कार्रवाई की है? भज गोविंदम मूढ़ मते, ये शंकराचार्य का एक भज गोविंदम करके 16 स्टैंजास का यह है कि जो जिन्होंने अद्वैत वेदांत पे जीवन उतार दिया उनका अंतिम जो कृति थी जगत गुरु शंकराचार्य की भज गोविंदम, उनकी नज़र में अगर भगवान कृष्ण की ये एक विराट रूप था तो मैं प्रशांत जी से ये कहूँगा कि शायद उनके दिमागी दिवालियेपन की वजह से शायद उनके द्वारा ये अपकृत्य इसलिए किया गया है कि सस्ती लोकप्रियता और पब्लिसिटी मिल जाए। उनके लिए केवल 2 लाइनें, एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रहे। अनुपम जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या प्रशांत भूषण ये हिम्मत कर पाते, वो चैलेंज कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ को, क्या वो ये हिम्मत कर पाते कि किसी और धर्म के भगवान को छोड़िए उसके शहंशाह राजा या उसके किंग का ही जिक्र कर देते? वो कर सकते थे ये हिम्मत? देखिए, अगर सवाल प्रशांत भूषण की है, प्रशांत जी की है, तो प्रशांत जी ने जब जब मौका मिला है तब तब धर्म के जितने भी ठेकेदार रहे हैं उन सब को कटघरे में खड़ा किया है, उन सब पे सवाल किया है। वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस की बात हो, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात हो, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अकाली दल पार्टी के रजिस्ट्रेशन की बात, आप मेरी बात सुनिए ना, आपने सीधे धर्म पर चोट की है। आपका सवाल क्या है, एक मिनट, आपका सवाल यही है ना कि क्या प्रशांत भूषण बाकी धर्मों पे सवाल कर सकते हैं या नहीं, यही सवाल है ना आपका? अरे मैं कह रही हूँ, इस ट्वीट में किसी और के साथ कंपेयर कर सकते थे वो? इतनी हिम्मत दिखा सकते थे वो? मेरी किसी और धर्म के भगवान का जिक्र कर सकते थे वो? कई उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं उनके हिम्मत का ही जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। ये वो शख्स है जिसने अकाली दल का रजिस्ट्रेशन इसलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली एक पार्टी है जिसका पूरी तरह से, ये वो शख्स है, ये हर वक्त धर्म के ठेकेदार जितने भी रही हैं उन सबको आपत्ति रही है प्रशांत भूषण से, आज भी है आपत्ति। और जहाँ तक ये भावनाओं की बात है ना, आप समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ धर्म के ठेकेदार और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है सर, बहुत बड़ा अंतर है। मेरा सीधा सवाल है, इस ट्वीट में किसी और धर्म के भगवान का जिक्र करने की हिम्मत दिखा सकते थे प्रशांत भूषण? भगवान छोड़ दीजिए,
मैं कह रही हूँ किसी राजा का ही नाम ले लेते, कर सकते थे ऐसा? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप आपको देखिए, आपका जो सवाल है, जिस हिम्मत की बात आप कर रहे हैं, मैं उसी हिम्मत का जवाब आपको दे रहा हूँ कि वो क्या क्या हिम्मत कर सकते हैं, ये इतिहास गवाह है। ये मैं नहीं कहूँगा आपको कि क्या क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, किन किन धर्मों में कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई है, इससे आपको साफ पता चलता है कि कैसी हिम्मत है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो इस ट्वीट में कोई कुरीति का जिक्र कर रहे हैं वो? कोई कुरीति है जिसका जिक्र कर रहे हैं वो? एंटी रोमियो स्क्वाड जिस तरीके से काम, मैं बता रहा हूँ आपको ना, एंटी रोमियो स्क्वाड जिस तरीके से काम कर रहा है, महिला पुरुष छोड़ दीजिए सर, कृष्ण पर बात कीजिए, जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहा है, भगवान कृष्ण पर बात कीजिए, उनके जिक्र पर बात कीजिए। छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, आपको शेक्सपियर का पात्र रोमियो बड़ा अच्छा लग जाता है अपनी सियासत के लिए? जनाब सुनिए सुनिए मेरी बात, इस पूरे ट्वीट के केंद्र बिंदु में एंटी रोमियो स्क्वाड और उसकी कार्य प्रणाली है। भगवान कृष्ण को इस ट्वीट के केंद्र बिंदु में लाने की रुचि आपकी है, वो प्रशांत भूषण के ट्वीट में वो रुचि नहीं थी। और ये तो कृष्ण की लीला है ना सर, कि वो ट्वीट में आ गए हैं, ये तो कृष्ण की लीला है सर, कि वो ट्वीट में खुद ही आ गए हैं, वो प्रशांत भूषण नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण ने करवा दिया था उनसे। डॉक्टर पात्रा, नहीं नहीं, आप अगर बात ही नहीं समझना चाह रहे हैं, उसका तो कोई उपाय नहीं है ना। एक देखिए, अनुपम जी का कहना है कि कोई बात नहीं समझना चाहता है, दरअसल अनुपम जी आप समझ के नहीं समझना चाहते हैं, बाकी 125 करोड़ लोग तो समझ रहे हैं आपने क्या किया है। उस ट्वीट में लेजेंडरी ईव टीजर, मतलब एक तरह से कृष्ण को आपने ईव टीजर के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए, आप भी सही कह रहे थे, बहुत हिम्मत है, आप पता नहीं, शायद हिम्मत और मूर्खता को आप पर्यायवाची शब्द के रूप में देखते होंगे। हाँ, याकूब मेमन के पक्ष में खड़े थे, अफजल गुरु के पक्ष में खड़े थे, हिम्मत तो बहुत है। याकूब मेमन को फांसी ना हो, इसके लिए रात को 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुला दिए थे, बहुत हिम्मत है। याकूब मेमन तो सही है, मगर ये श्री कृष्ण जो है, ये ईव टीजर है। आपको जानते हैं, श्री कृष्ण के लिए एक मधुराष्टकम है, मैं कहूंगा कि डिबेट समाप्त होने के पश्चात ये मधुराष्टकम पढ़े। अधरंग मधुरंग नयनंग मधुरंग चलितंग मधुरंग हसितंग मधुरंग भाषा मधुरा गौवा मधुरा गोपी मधुरा वेणु मधुरा मधुराधिपते रखिलंग मधुरंग। श्री कृष्ण की चरित्र ऐसा था, श्री कृष्ण का चरित्र कि वो मधुरता के अधिपति थे, वो मधुरता के राजा थे, और उनका सब कुछ, उनका अंग प्रत्यंग, उनका चलना उठना बैठना, गोपी गाय बंसी, सब कुछ मधुर था। इसलिए जो उनके पास से गुजरता था वो उनका हो जाता था, और वो वही थे, वो गोपी भी कृष्ण थे। और याद रखिए, कृष्ण को ईव टीजर बताया है, कृष्ण ने द्रौपदी को चीर दिया अर्थात वस्त्र दिया है। पूरा महाभारत, पूरी गीता का ज्ञान इतना ही है कि निर्बल और दुर्बल को हमेशा ही दया देना, निर्बल और दुर्बल के साथ खड़ा होना। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप लोग कृष्ण को, खैर कृष्ण को तो कोई नहीं समझ सकता, आप तो क्या समझेंगे, आप लोग इतने नादान हैं, और इतने नादान होने के बाद आप स्वराज अभियान चला रहे हैं। स्वराज का मतलब ही कृष्ण है जनाब। सर, अब मुझे एक ब्रेक लेना है, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं इस मामले को बहुत ही आसान चीज, नो मैं बहुत आसानी से, अनुपम जी एक सेकंड रुकिए, आप बहुत आसानी से मैं इस चीज को समझना चाह रही हूँ। एक रोड का नाम बदल जाता है सर, एक रोड का, और कोई मुसलमान नाम होता है उस पर, मुसलमानियत को खतरा हो जाता है, इस्लाम को खतरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान को रोमियो से कंपेयर कर जाते हैं, और आप बोलते हैं कृष्ण नहीं है, सेंटर में तो एंटी रोमियो स्क्वाड है। आप ही तो हैं जो दरार पैदा कर रहे हैं और द्वेष पैदा कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें?